हेलो गाइस, मैं सुनील भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसकेबी रियलिटी में। आज हम आए हुए हैं गुड़गांव के सुशांत लोकेशन में। यहां पे मैं आपको, आप देख ही रहे हो पीछे क्या शानदार आपको एक किचन दिखाई दे रही है। यही वाला फ्लोर दिखाने वाला हूं, बहुत बेहतरीन फ्लोर है, 500 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। आप एक बार इस फ्लोर देखो, सारी चीज बातें बाद में, सबसे पहले देखते हैं फ्लोर। हम आ गए हैं इसके लिफ्ट से बाहर निकल के। ये हमारा लिफ्ट से जो एंट्री है लिफ्ट की, लिफ्ट लॉबी हो गई। ये इसमें हमारा स्टेयरकेस, यहाँ पे ये दोनों तरफ इसमें स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। अभी मैं जिस वॉल के साथ में खड़ा हूँ इसको दिखाऊंगा वहाँ पे जाके। ये देखिए, ये हमारा मेन एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंस में ही आपको लगेगा कि क्या लग्जरी हमारा अंदर फ्लोर होने वाला है। देख रहे हो आप, एक एक चीज़ ध्यान दिया हुआ है। दोनों साइड में हमारी छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं। ये हमारा लिफ्ट की एक पूरा, मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा वुड का काम किया हुआ है। स्टोन वगैरह आपने बहुत देखे होंगे यहाँ, ये पूरा वुड का काम है। ये देखिए, विनियर एंड पॉलिश का काम हो गया। ये वाली वॉल की मैं बात कर रहा था। ये हमारा घर के अंदर से अगर हम देखते हैं तो ये वाला व्यू रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके, ये मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस का डोर देख लीजिए आप, एक एक चीज क्या देख रहे हो। ये पूरा प्योर फिनिश में है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये दिखा देता हूँ इसका। ये हमारा एक राउंड शेप में, पूरा हाफ राउंड हाफ सर्कल का हमारा इसका ये हैंडल आ गया, जिसको हम डोर ओपन करने के लिए इसको हम दूसरा, ये हमारा हो गया इसमें डोर सेट का डिजिटल लॉक, जो हमारा फिंगरप्रिंट से भी काम करेगा। इसमें हमारे वो भी आएंगे जो आप इसमें पासवर्ड से भी आप इसको खोल सकते हो, ठीक है। खुला हुआ है अभी तो इसलिए शो नहीं हो रहा है। ये दो चीज़ें हो गई, साथ में आप इसको कार्ड के एक्सेस से भी खोल सकते हो। इसको कर देते हैं बंद। ये हमारा आ गया, यहाँ पे डोर फोन की प्लेसमेंट आ गई। ये यहाँ पे एंट्री करते हैं, हमारे सारे स्विचेज आ गए। डोर फोन यहाँ से हमारा दो जगह कनेक्ट होता है, अगर मैं बताऊँ। एक हमारा नीचे जब हम बाहर एंट्री करेंगे मेन गेट से, तो वहाँ से दूसरा हम इस लॉबी में आएंगे, तो इसमें थ्री टायर सिक्योरिटी मिल जाती है। एक ये हो गया, एक लॉबी के हो गया लिफ्ट लॉबी, एक अगेन हमारा हो गया सब बाहर मेन डोर का, ठीक है। अभी मैं, जैसा कि हम जब एंट्री की थी तो आपने देखा था, जो मैं आपको एंट्री पे एक बार दिखा दूंगा वो सारी चीज़ें। ये हमारा आ गया एंट्री करने के बाद। हम यहाँ पे जब एंट्री यहाँ से की हमने, ऐसे एंट्री करने के बाद हमारा जो व्यू आता है वो ये आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले सबसे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टोन लगा हुआ है ब्लैक कलर का पूरा। ये हमारा इसमें एक लाउंज एरिया है, फैमिली लाउंज। इस साइड से ये जो जितना भी पार्ट ये वाला दिखाई दे रहा है, ये हमारा इसका डाइनिंग एरिया है। ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा थोड़ा, जब मैं वहाँ पे जाके दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी बड़ा एरिया है। मैं बता देता हूँ इसकी लेंथ, यहाँ से लेके और लास्ट वहाँ तक ये कम से कम हमारा कोई 35 फिट के आसपास है। तो ये एरिया फैमिली लाउंज, ये हमारा डाइनिंग और वो हमारा प्रॉपर ड्राइंग। अभी चलते हैं, यहाँ पे हम एंट्री करने के बाद ये हमारा आ जाता है इसका मंदिर एरिया। दोनों साइड में लाइट लगी हुई है, बीच में आप अपनी कोई भी भगवान की मूर्त रख सकते हो। आप इसको ये रिमूव हो जाता है ये वाला पार्ट, इसको हटा के आप इसमें यहाँ पे अपना मंदिर नया भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट हमें हमारा हट जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा वो वाला पार्ट जो मैं वहाँ से आपको दिखाया था। ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर स्टोन लगा हुआ है, टीवी के लिए ये बना हुआ है। ये हमारा पूरा लाउंज एरिया, फैमिली लाउंज। ये हमारा आ गया डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में हमारा एक ऊपर ये छोटा सा एक लैंप लगा हुआ है, लैंप कहेंगे या एक हम इसको कह सकते हैं एक शेंडल लगा हुआ है, बहुत शानदार लाइट लगी हुई है। ये देखिए कुछ ये वाली इसकी फील है। तो ये हमारा इसको बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 8 से लेके 10 सीटर आप इजीली डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल रख सकते हो। ये आ जाता है हमारा इसके बाद में ये वाला पार्ट, पूरा ड्राइंग रूम, बहुत बड़ा। छोटा दिख रहा है ये देखो, पूरे ड्राइंग डाइनिंग के अंदर हमारा ये डक टेबल, सेंट्रली एयर कंडीशनिंग लगी हुई है। ये एसी की दूसरी वेंट हो गई, दो वेंट वहाँ पे हैं। तो हमारा यहाँ पे ये 3 टन का यहाँ पे और 1.5 टन का वहाँ पे, तो 4.5 टन का एसी हमारा इसमें इस वाले पार्ट के लिए लगा हुआ है। इस एरिया के लिए इनफ है। यहाँ से हमने एंट्री की थी, ड्राइंग डाइनिंग मैंने हमने देख लिया है।
अब हमने ये मंदिर भी देख लिया है, अब हम चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। ये आ गया हमारा इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम आप इसका बहुत ही शानदार और ये वास्तु परफेक्ट है पूरा घर एज पर वास्तु। ये हमारा साउथ ईस्ट फेसिंग में हमारा इसका मास्टर बेडरूम है। सारे हेडरेस्ट सारी चीज़ें हमें इसके वास्तु के अकॉर्डिंग ही प्लेस की हुई हैं। ये हमारा इसका आगे हेडरेस्ट, दोनों तरफ लैंप लग मिले हुए हैं। ये हमारा 10 फीट के आसपास का एरिया है, तो बड़े से बड़ा बेड यहाँ पे लग जाएगा। ये वाला पार्ट इसका सिटिंग एरिया है, ये वाला पार्ट इसका ड्रेसिंग। आप इस पर सिटिंग लगाइए या फिर आप इस पर एक अपना ड्रेसिंग इसको एरिया बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है एसी, ऊपर पूरी बहुत शानदार फॉल सीलिंग हुई हुई है। ये हमारी इसकी फ्रंट बालकनी आ जाती है, तो फ्रंट बालकनी को इसमें किया हुआ है सेपरेट ड्राइंग डाइनिंग से। ये एक वॉल लगा के ये पूरा इसमें स्टोन लगा हुआ है। ये हमारा टेक्सचर पेंट हो रखा है। ऊपर की फॉल सीलिंग पूरी आपको ऐसी मिल जाती है MS में। ये अगेन फिर वही टेक्सचर। ये इसमें लाइट लगी हुई है जो वाइट कलर की देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एल्यूमिनियम विंडो है, ये लॉक लगा हुआ है इसके लिए। इसको हम कर देते हैं बंद और आप देख सकते हैं पूरा सन फेसिंग आपका फ्लोर है। सामने पूरी धूप आ रखी है, बहुत अच्छी धूप, ठीक है। ये हमारा आ गया अब यहाँ से व्यू, विंडो से हम देखते हैं तो ये वाला व्यू आता है। नीचे स्टोन देख रहे हो आप, जैसे बादलों पर आप चल रहे हो। पूरा प्रॉपर इटालियन स्टोन लगा हुआ है। ये भी हमारा पूरा प्रॉपर स्टोन लगा हुआ है, देखिए। ये अब मैं आ जाता हूँ इसके मास्टर बाथरूम में। ये हमारी इसकी पूरा वॉकिंग क्लोजेट, एक दो और आधा ढाई, एक दो और ये पूरी प्रॉपर एक दो तीन छः, इसमें चार और एक पांच वार्डरोब्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज है, मास्टर बेडरूम के हिसाब से इसमें प्रॉपर स्टोरेज मिल जाती है आपको। मैं एक बार ये आपको वार्डरोब्स दिखा देता हूँ। ये हमारा आ गया इस तरह के, उस क्या नाम है जो आपके छोटी छोटी सेल्फ आ गई। ये आ गई हमारी मेन जो हैंगिंग लाइट उसके साथ आ गई। ये दोनों साइड में लाइट आई हुई है, ऑटोमेटिक आपकी लाइट ऑन हो जाती है। ये हमारा आ गया इसमें हैंगिंग हैंगर के लिए। ये आ गया एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। ये ड्रॉर्स आ गई नीचे, फिर ये स्टोरेज आ गई, ठीक है, फोल्डिंग क्लोथ्स वगैरह के लिए। ये हमने फिर अगेन ये तो हमारी ये देखिए, तो इस साइड में भी हमारा कुछ इसी टाइप का है। ये हमारी आ गई ये वाला एरिया, फिर आ गया ये, फिर आ गई ये। तो मतलब वार्डरोब्स तो दी हुई है भर के। ओहो, ये एक एक्स्ट्रा आपका लॉन्ग क्लॉथ्स वगैरह के लिए। ये देखिए आपके ये एक बहुत बड़ा स्पेस दे दिया है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे हमारा यहाँ से हमने एंट्री की वॉकिंग क्लोजेट के लिए, वो हमारा यहाँ मास्टर बेडरूम से यहाँ से एंट्री की। ये आ गया हम इसके बाथरूम में, फुली स्टोन लगा हुआ है बाथरूम के अंदर, कहीं पे भी कोई टाइल का यूज़ नहीं हुआ है, हर जगह स्टोन है। ये हमारा लुकिंग मिरर मिल जाता है लाइट के साथ, तो लाइट में दिखा देता हूँ। ये हमने ये देखिए लाइट के साथ हमारा लुकिंग मिरर मिल जाता है। ये हमारा इसका आ गया बेसन, सारी फिटिंग्स हमारी कॉलर की हैं। अभी शायद ये टैप थोड़ा कोई रिप्लेस हो रहा है तो इसको हटाया हुआ है। ये हमारी डब्ल्यूसी में भी हमारी पूरी कॉलर की फिटिंग डब्ल्यूसी भी कॉलर की मिल जाती है। इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मास्टर है तो इसमें यहाँ पे हमारा ये अंदर अपने जो भी बाथरूम के अंदर जो भी इनर गारमेंट्स या जो भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स या कोई भी चीज़ आप लोगों को रखनी है उसके लिए प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए हमें अंदर एक अलग से छोटी सी एक वार्डरोब मिल जाती है, ये वाली, ठीक है। ये हमारा आ जाता है निश बनी हुई है, इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारी स्पेस दिया हुआ है प्रोडक्ट्स वगैरह रखने के लिए। ये हमारा आ जाता है इसका शावर क्यूबिकल, प्रॉपर ग्लास में ये ब्लैक एंड ये पूरे ब्लैक ग्लास का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक कलर की आपको सारा फ्रेमिंग मिल जाती है, ये टावल रोड मिल जाती है। अगेन ये इसमें हम आ गए, अगेन पूरा स्टोन है। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये आ जाती है हमारी निश, ये हमारा टैप, ये हमारा शॉवर हैंड शार आ गया। तो एक हमें ये मिल जाता है सीलिंग शार, एक मिल जाता है हैंड शार, यहाँ पे एक हमें मिल जाती है ये सिटिंग। बहुत ज़रूरी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है ये सिटिंग। इसके साथ में हमारी ये यहाँ पे भी हैंड शार है, आप यहाँ पे इजीली बैठ के जिसको शिफ्ट करके अगर सिटिंग
कोई ओल्ड एज है या जिसको भी जैसा भी है, आप यहाँ पे सेटिंग करके आराम से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वहां पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये भी है, तो इन चीजों का ध्यान रखा हुआ है बिल्डर ने। थोड़ा कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन आपको बाद में यहाँ पे ये प्लेसमेंट करने के लिए किसी भी हिसाब से आप इसको प्लेस कर ही नहीं सकते थे, बहुत सारी थोड़ा फोड़ी होती, तो वो पहले ही फिट कर दिया है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा हुआ है। ये हमारा आ जाता है, हम यहाँ से मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, बहुत ही शानदार कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर बना हुआ है। एक बार आके आप देखोगे, विजिट जब प्लान करोगे ना, तब आपको समझ में आएगी क्या चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हम आ गए इसके वॉकिंग क्लोजेट और बाथरूम से बाहर, मेन रोड की तरफ की एंट्री की तरफ हमारा एक ये हो गया। तीन चीज़ें हैं, तीन, दो बेडरूम और एक ड्राइंग रूम हमारा मेन रोड को फेस करता है, ये इसमें हमने देख ही लिया है। ये ड्राइंग डाइनिंग हम देख के आ चुके हैं, अब आ जाते हैं हम इसमें। ये इसका गेस्ट बेडरूम है, यहीं पे हमें इसकी वार्डरोब मिल जाती है ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ। ठीक है, ये हमारा इसका बेडरूम आ गया। बेडरूम में यहाँ पे छोटा सा आप ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह के लिए स्टोरेज मिल जाती है। ये हमारा आ गया इसका एसी, ये आ गया हमारा इसका हेडरेस्ट, यहाँ पे भी हमारा एक पैनलिंग मिल जाती है। ये हमारा आ गया इसका एक लैंप, ये दो लैंप, ये बहुत सुंदर से हमारे रिंग लैंप लगाए हुए हैं राउंड शेप में, पूरा प्रॉपर राउंड शेप में एक बहुत सुंदर लैंप लगा हुआ है। ये इसकी आ गई आउटडोर विंडो, यहाँ पे ये भी बेडरूम हमारा मेन रोड को फेस करता है। तो ये साउथ फेसिंग हमारा फ्लोर है, इसमें हमारी सामने से पूरी सर्दी में अच्छी धूप आती है, पूरे दिन की धूप मिलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके अगेन वही ड्राइंग डाइनिंग में, ये ड्राइंग डाइनिंग में आ गए दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे हमने एक दो और तीन, ड्राइंग डाइनिंग, अपना गेस्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम, तीनों चीज़ हमने देख लिया, ये मंदिर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके बैक साइड वाले एरिया में। ठीक है, ये हमारा बैक साइड, बैक साइड के एरिया में मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमें मिल जाता है ये इसका पाउडर टॉयलेट, पाउडर टॉयलेट आप एक बार ही देखिए। देखो, जो भी गेस्ट होता है ना, उसने आपका PDR यूज़ करना होता है, या कोई आपके घर में जो भी आया हो, अगर कभी वॉशरूम जाता है तो PDR में जाता है, तो सबसे शानदार जितनी मेहनत की जाती है ना PDR में की जाती है। ये जो स्टोन लगाया हुआ है ना बिल्डर ने, ये सतवारी स्टोन है, एक बार फील करके देखना जब आओगे, सतवारी स्टोन लगा हुआ है, इसकी एक बार आप फील पहले देख लो इसकी लुक कैसी आ रही है। बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही सुंदर दिखता है ये स्टोन, ये देखिए, यानी इसके अंदर अंदर से कोप लाइट लगी हुई है। ठीक है, पूरा जितना भी हमारा ये लगा हुआ है टैप वगैरह, सब हमारा कॉलर की फिटिंग और गोल्ड प्लेटेड में लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, पूरा गोल्ड प्लेटेड, देख रहे हो सब हमारा। ये हमारा इसका बेसन हो गया राउंड शेप में, बहुत सुंदर है। यहाँ पे इसकी जो वैनिटी बनी हुई है वो भी पूरी स्टोन में बनी हुई है, सेम मैच करती हुई, देख रहे हैं। ये हमारा आ गया इसका लुकिंग मिरर फुल साइज, वहां से लेके यहां तक, ये एक बहुत सुंदर सी इसमें आ गई लाइट, हैंगिंग लाइट है, देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पाउडर टॉयलेट, बहुत अच्छा साइज है, पाउडर टॉयलेट का कोई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा साइज है, परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं इसके, ये हमारा आ गया इसका किचन, दो बेडरूम, एक छोटी सी लॉबी, छोटी नहीं है, बहुत अच्छे साइज़ की, लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो छोटी है, लेकिन अच्छा साइज़ है, सिटिंग बन जाएगी जो भी आप इसको बनाना चाहो, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें पूरा खाली मिल जाता है। ये फिक्स ग्लास है, ये डोर के साथ मिलती है, मैं इसमें किचन, पहले किचन ही देख लेते हैं, मेरे को सबसे सुंदर इसकी ना किचन लगी। ये हमारी किचन के लिए डोर हो गया बंद, और ये हो गया हमारा ओपन, ओके। तो ये हमारा इसमें आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसमें, ये देखिए स्टोरेज, स्टोरेज की कहीं भी कमी नहीं है। जब आप आएंगे ना यहाँ पे, तो हमारी माताएं, हमारी बहनें खुश हो जाएंगी देख के किचन को, जब आप इसकी विजिट करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नीचे 16 तो यहाँ मिल गई हमें। ठीक है, 16 कैबिनेट तो हमें यहाँ मिल चुकी है, और साइज दिखा देता हूँ आपको एक बार इसका, ये देखिए, छोटा साइज नहीं है, कम से कम तीन तीन फिट की है, क्या स्पेस चाहिए हमें किचन में। ठीक है, ये हो गया
पूरे किचन में टेक्सचर पेंट किया हुआ ऐसा। दूसरा ये है आइलैंड काउंटर के साथ, ये चीज है मेन। आपका ब्रेकफास्ट काउंटर भी बन जाएगा, कटिंग काउंटर भी बन जाएगा, ऊपर लगा हुआ फैन। जब भी हमारी माता है बहन है इस पर कटिंग करेंगी या कोई भी कुकिंग करेंगी या आपका कोई मेड सर्वेंट कोई भी इस पर कुकिंग के लिए या कटिंग के लिए करेगा तो उसको भी गर्मी नहीं लगेगी। दूसरी चीज बता देता हूँ, इसमें इसके पीछे हो रखा है एसी प्लेस। अभी एसी प्लेसमेंट हुई नहीं है लेकिन ये दिया हुआ बिल्डर इसको एसी को प्लेसमेंट करके देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसी का एरिया। ये हो गया डबल डोर फ्रिज, बड़े बिग साइज का फ्रिज हम लगाते हैं, कभी कभी स्पेस कम पड़ जाता है जब कभी मन करता है तो कि और बड़ा फ्रिज लेना है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है, दो फ्रिज लग सकते हैं आपके इजीली। यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइक्रोवेव ओटीजी, ये माइक्रोवेव आ गया फेबर कंपनी का, बहुत अच्छा साइज है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा साइज है। ये आ गया इसका ओटीजी। लो और क्या चाहिए, ये देखो पेंट्री का साइज देख लो आप, पेंट्री का साइज देखो, देख रहे हो बड़े साइज में, बिग साइज में जितना मर्जी सामान स्टोर कर लो आप। ये आ गई हमारी इसकी होब और चिमनी, फेबर की हमारी इसमें लगी हुई है चिमनी, हैंड के मूवमेंट के साथ काम करती है। आप ऐसे करोगे ऑन हो जाएगी, ऐसे करोगे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी हमारे हाथ होते हैं कि हाथ थोड़े गंदे हैं, चिकने हो रखे हैं, कुछ भी किचन में करते हुए हाथ गंदे हो ही जाते हैं, तो आप इसको सेंसर के थ्रू इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। यहां तक हमने काउंट किया था 16। अब ये देखो 1, 2, 3, 4, ये हमारी आ गई सिंक के ऊपर की स्टोरेज, इसको काउंट नहीं करते हैं तो 3 काउंट करते हैं, तो 17, 18, 19, 20 के आस 19, 20, 21 हमें इसमें स्टोरेज का तो ये मान के चलो सोचना है ही नहीं। ये देखो फिर से दिखा देता हूं, यहां से चल के यहां तक किचन। दूसरी चीज, सामने हमने 3-2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम देखा था, उसके साथ बालकनी अटैच थी किचन के साथ, बीच में बालकनी कई बार नहीं होती है या किसी कमरे के साथ नहीं मिलती है बालकनी, यहाँ पे सारे कमरों के साथ किचन के साथ सबके साथ मिल रही है। ये हमारा हो गया इसका सिंक एरिया, डबल बाउल सिंक है। ये एरिया हमारा आ गया इसका वॉशिंग एरिया, वो भी डोर के साथ, आपकी वॉशिंग मशीन भी बाहर नहीं होगी, अंदर होगी प्रॉपर, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे कोई शायद मेरे हिसाब से टेक्सचर पेंट का काम होना होगा, रह गया है। ये हमारा पूरा प्रॉपर टाइल लगा दिया ऊपर तक बिल्डर ने, वॉशिंग करो कुछ भी करो कितना भी पानी का काम करो कोई सीपेज का चक्कर ही खत्म। दोनों हॉट एंड कोल्ड हमें वो मिल जाती है टैप, ये हमें मिल जाता है इसका 16 वोल्ट का इसका सॉकेट, मतलब आप इसमें ड्रायर के साथ भी वॉशिंग मशीन चला सकते हो। बैक साइड की बालकनी ओपन करके बाहर आ जाते हैं, बैक साइड की बालकनी के पीछे लगाया हुआ बिल्डर ने जाल ताकि आपकी कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। नीचे लगा हुआ इसमें पावर बैकअप, एसी की प्लेसमेंट हमारी, ये पावर बैकअप का एग्जॉस्ट लिया हुआ ऊपर, एसी सारे बैक साइड में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक यहाँ लग जाएगा, 7 एसी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये हमारा गैस पाइपलाइन की बाहर आ गई, कल को कोई गैस यहाँ पे देखो सुशान लोग में खड़े हुए हैं, गैस पाइपलाइन अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं दी है, यहाँ पे आप अपने सिलेंडर रख सकते हैं, गैस बैंक रख सकते हैं, और इसमें कल को कोई गैस पाइपलाइन आती है तो यहीं पे आपका मीटर लग जाएगा, यहीं से अंदर चले जाएगी, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं होगी। टैप लगाया हुआ पीछे के प्लांट वगैरह में पानी देने के लिए, ये कभी इसको धोना हो तो इसको आप धो भी सकते हैं। ये हमारा आ गया जी किचन, किचन के बाद चलते हैं यहाँ से, देखिए आप इसका व्यू, ये देखो या क्या शानदार ब्रेकफास्ट काउंटर, इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार, ये देखिए, ठीक है। तो जब आप विजिट करने आएंगे तो एक बार ये फील करोगे कि कितनी बड़ी किचन है, यहाँ पे 1-2 मतलब ये मान के चलो 10 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हो ना तो भी बहुत अच्छा स्पेस है। ये पाउडर टॉयलेट था, यहाँ से हमने एंट्री की थी, ये हम ड्राइंग डाइनिंग देख के आए हैं, ये हमने किचन देखी है, अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पीछे के 2 बेडरूम में, पहले चलते हैं इसमें। ये सेकंड मास्टर है, देख रहे हो, देख रहे हो क्या चीज है, ये देखो दोनों साइड में लाइट, बीच में ब्राउन अपने वुड की, हमारी वुडन की क्लाइडिंग हो रखी है। ये हमारा आ गया इसका हेडरेस्ट, बड़े से बड़ा बेड फिक्स हो जाएगा। ये देखो आप, ये लाइट है, ये हमारी कुछ ऐसे है, देख रहे हो शानदार लैंप, जो मैंने लैंप वाली लाइट है ना बड़ी सुंदर लगी, डिसेंट सुंदर सी, ये देखो बहुत सुंदर,
ये जो इसमें ये बबल दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये हमारा आ गया दोनों साइड में, एक तो दोनों साइड में हेडरेस्ट आ गया बीच में। ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है हमारा इसका, जो टीवी का पॉइंट, ठीक है। बहुत बड़ा साइज़ है इस बेडरूम का भी। साइज़ मैं बताऊँ तो इसका 20x15 के आसपास का साइज़ है। ये हमारा आ जाता है आउटडोर, पीछे की विंडो बैक साइड में जो खुलेगी हमारी। तो ये भी हमारी वही अभी जो हमने बालकनी देखी है, दोनों साइड में एसी है। एसी की प्लेसमेंट पीछे की तरफ है, पूरा जालवाल लगा के हमें सारी चीज़ें मिल जाती है। पीछे वो हाई रेंज अपार्टमेंट हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारा ड्यूलर फेस 4 है। ये हम सुशांत लोग वन में खड़े हुए हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बाथरूम में। यहाँ पे भी अगेन प्रॉपर स्टोन, पूरा वेल फिनिश्ड, बहुत शानदार, वही लुकिंग मिरर के साथ, लाइटिंग के साथ लुकिंग मिरर मिल गया। ये हमारा इसके स्विचेस आ गए, ये हमारी WC आ गई, बेसन आ गया, ये हमारा शार क्यूबिकल आ गया। यहाँ पे हमारी आ गई वार्डरोब्स, वही भर भर के वार्डरोब्स, 1, 2, 3 फुल साइज। ये देखिए फुल साइज वार्डरोब मिल जाती है। यहाँ पे भी हमें ये लॉन्ग उसके लिए मिल गई। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली, ये देखो ये एरिया मिल जाता है हमें इसका एक्स्ट्रा, बड़े बड़े लॉन्ग वेयर्स के लिए। देख रहे हो फुल साइज, कोई भी जगह खराब नहीं की हुई है, कॉर्नर का पूरा प्रॉपर यूज किया हुआ है। ये इसके शावर क्यूबिकल में वही 1, 2, 3 दो हैंड शार, एक सीलिंग शार। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सी निश जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 और क्या लोगे बताओ। सिटिंग अगेन वही एक्स्ट्रा, वो स्टूल पटरा घुमरा होता है ना, वो नहीं है। ये आ गया हमारा टॉवल रोड, वही ब्लैक फ्रेम के साथ हमारा इसका शावर क्यूबिकल। अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ बेडरूम में। यहाँ से हम निकले बाहर, ये हम एक बार व्यू देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ से हमने एंट्री की थी, किचन, पाउडर टॉयलेट, ये लास्ट में हमारा आ गया इसका फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम का जो डिज़ाइन है वो देख सकते हो आप, रजवाड़ा स्टाइल डिज़ाइन दिया हुआ है, प्रॉपर वुड लगा के, विनियर लगा के, रजवाड़ा स्टाइल, इसको हम विक्टोरियन स्टाइल भी बोलते हैं। एसी की प्लेसमेंट यहाँ पे है, स्विचेस, ये भी एक अच्छा खासा साइज़ है बेडरूम का, छोटा नहीं है, बहुत अच्छा साइज़ है, मास्टर बेडरूम से छोटा है लेकिन बहुत अच्छा साइज़ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये पैनल डोर में से, ये हमारी एंड, ये हमारा इसमें बाथरूम का डोर है जो भी हमने देखी थी ना, ये बाथरूम का डोर है। यहाँ पे अगेन अंदर भी अगर बाथरूम का डोर खुला होता है तो पूरा वुड का ही काम हो रखा है कि मिसमैच ना दिखाई दे, पूरी वुड के अंदर वही हमारी 3 वार्डरोब्स, 1, 2, 3 देखिए, बल्कि ये एक्स्ट्रा है इसमें, ये एक्स्ट्रा है 3 के बाद में। ये हमारा आ जाता है फिर वही पूरा, यहाँ पे स्टोन नहीं है, इसमें टाइल का काम किया हुआ है, बाकी 3 बाथरूम इसके, 4 बाथरूम ऑलमोस्ट इसके स्टोन में, ये टाइल का काम किया हुआ, लेकिन टाइल में आप इसको बता नहीं सकते कि टाइल है, ये बिल्कुल स्टोन ही नजर आएगा आपका, बहुत एक्सपेंसिव वाली टाइल लगी हुई है, मतलब स्टोन के रेट में, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है, उनमें लगता है 9-20 दिन का बाथरूम को तैयार होने में। यहाँ पे आ गया हमारा ये WC, बेसन, ये देखो बेसन के आसपास जो काम किया हुआ है ना, ये पूरा पूरा ये स्टोन मिलेगा आपको, वो टाइल मिलेगी। ये हमारा प्रॉपर कितने भी प्रोडक्ट्स आप रखो, ये हमारा इसमें वॉल टैप आ गया, ये फिर वही हमारा लुकिंग मिरर लाइट के साथ, ठीक है। ये हमारी आ गई इसमें सिटिंग, वही हैंड शार, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर, 3-3 हैंड शार मिल जाते हैं, सिटिंग मिल जाती है। सिटिंग का ध्यान तो हर किसी में रखा हुआ है इन्होंने, ये निश मिल जाती है हमारी वही सामान वगैरह रखने के लिए। ये पीछे से वेंटिलेशन और हमारी लाइटिंग के लिए विंडो मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला बाथरूम। तो आशा करता हूँ आपको फ्लोर अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लोर, वाकई में बिल्डर ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आपको अगर विजिट करनी हो तो मेरे नीचे नंबर, यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके विजिट प्लान कर सकते हैं। और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, जब भी नई वीडियो आएगी आप नोटिफिकेशन इसमें ऑन कर देना बेल आइकन पे दबा के, कोई भी नई वीडियो आएगी, अब मेरी जल्दी ही बहुत सारी वीडियो आने वाली। सब्सक्राइब करिए पहले तो चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करिए, फिर आपको सारी नोटिफिकेशन पहले मिल जाएंगी। फ्लोर आप देखिए, विजिट करने के लिए नंबर नीचे आ रखा है, इस पे आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पे आप कॉल करके मेरे को विजिट प्लान कर सकते हो मेरे साथ। शानदार चीज़ है, सनलाइट के साथ मतलब कोई कमी नहीं है। हमारे 4 BHK हो गया, बिग साइज में ड्राइंग डाइनिंग लाउंज एरिया आ गया, हमारा इसमें
क्या नाम है, मंदिर का भी निकाला हुआ है स्पेस, पाउडर टॉयलेट भी निकला हुआ है, किचन भी आइलैंड किचन बनी हुई है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।